हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है नवरात्रि। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी, सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो अभी बज रहे हैं 5:30। दिखाऊं? देखिए 5:30 बज रहे हैं और मैं शाम को ही मैं पूरा घर क्लीन करके सोई थी। बस थोड़ा बहुत मुझे सुबह में झाड़ू की हूँ। और मैं आज सैटरडे था तो गई शनि भगवान का पूजा भी करके मैं आ गई। और अब माता रानी की पूजा करनी है मुझे घर में, तो जा रही हूँ। थोड़ा सा जहाँ माता रानी को रखना है वहाँ डेकोरेट करूँगी वहाँ का जगह। तो मैंने सोचा आप लोगों को विश कर दूँ नवरात्रि। तो बस और यहाँ पर मैं अपना पैर रंग रही हूँ। पूजा करने से पहले पैर में रंग लगा लूँ, उसके बाद फिर परी भी अभी आती है थोड़ी देर में, तो वो भी अपने पैर में लगाती है रंग। और यहाँ पर मैं माता रानी को बिठाने के लिए यहाँ का जगह सजा रही हूँ। क्या कर रही हो? आई हूँ, वो देखिए मैंने अपना पैर कर लिया है। हो गया है? वाह, तुम अपने से कलर कर ली। चलो अच्छा है। तुम बड़ी हो गई क्या? और यहाँ पर मैंने माता रानी को अपने बिठा दिया है अब पूजा करने। तो जैसे ही मैं पूजा करने जा रही थी ना तो लाइट कट जाती है, तो मैंने पूजा करने का नहीं शेयर किया हुआ है। सुबह सुबह में मैंने पूजा कंप्लीट कर दिया था, मेरा पूजा सुबह में एकदम हो गया था। तो आज ना परी भी जागी थी मेरे संग, बोली थी मुझे भी पूजा करना है। तो सुबह उठने की वजह से परी रानी हमारी बोर होने लगी कि अब इतना पूरा समय क्या करें। बच्चा इतना जल्दी उठती नहीं है ना सुबह सुबह, और स्कूल भी नहीं जाना है। स्कूल जाने की वजह से तो उठ ही जाती है, अब उठेंगी। तो यहाँ पर वो चला रही है अपनी साइकिल। इसके बाद डुग्गू उठ गया है, तो डुग्गू भी पूजा कर रहे हैं। देखिए इनका पूजा तो और चलता है, अच्छे से बैठ कर आराम से अपना पूजा कर रहे हैं। तो अब मैंने अपनी माता रानी का जगह को कैसे सजाया है, कैसे माता रानी को बिठाया है, आप लोग बताइएगा हमें कि कैसा अच्छा लग रहा है, या इसमें कुछ और करना हो तो वो भी बताएंगे तो हम करेंगे। और यहाँ पर मैं अपने रूम में थी, जब आई देखी तो लाडन साहब लेट कर परी से अपना पैर कलर करवा रहे थे। तुम लेट के लगवाओगे कलर क्या है? तो मेरा सब काम हो गया, पूजा हो गया, सब किचन उचन का सब काम ख़त्म हो गया। तो अभी आप लोगों को ले चलेंगे किचन में, फलाहार में क्या बनाई हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी आई थी तो मैंने इतना सुबह सुबह उठी थी, रात में 12 बज गए थे सोने में भी। तो अभी डुगू के पास गई थी ना तो मुझे नींद लग गई थोड़ी सी, तो बस थोड़ा सा बस उसी के पास सोई थी। तो उठी हूँ तो अच्छे से फिर हाथ मुँह मैंने ना, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा टीका लगाया है गले में, सर पे गुगू का ही लगाया हुआ है, बिंदी भी मेरी नहीं दिख रही है। और मैं ना 2 दिन से व्रत हूँ, मैं कल का भी व्रत हूँ और मैं आज भी व्रत हूँ। और सारा काम भी नवरात्रि का सब सफाई वफाई करने में तो मेहनत लगती है, जो लोग अकेले हैं घर में पता चलता होगा। तो चलिए हम आप लोगों को किचन में ले चलते हैं, किचन की सैर करवाते हैं कि क्या क्या फलहार में हम बनाए हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने सब समझना ना, ये मैं आलू बादाम बनाई हूँ। लग रहा है अभी ठीक से मेरी नींद नहीं खुली है, दोपहर के 1 बज रहे हैं ना। मैंने बताया हुआ था कि मैं सो गई थी, ऐसा नहीं कि तुरंत, दोपहर के 1 बज रहे हैं तो मैं 12 बजे फटाफट ये सब बनाई हूँ। तो ये आलू बादाम है और यहाँ पर बनाई साबूदाने की खीर है।
एकदम मलाई मार के बनी है खीर हमारी। रेसिपी नहीं आप लोगों को दिखाएं लेकिन बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो यही थी हमारी वीडियो, वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी सारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँचती रहे। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।